हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे पास IIT रैंक 12 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 था, लेट XNDS सीक्वेंस किस तरह है। पहले जो मेंबर है वो प्लस रूट वन, फिर माइनस रूट वन, प्लस रूट टू, माइनस रूट टू, प्लस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री, इस तरह से है। फिर राइट एन बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टोटल एक्स एन अपॉन एन फोर होल एन बिलोंग्स टू एन, देन द सीक्वेंस वाई एन इज, वाई एन सीक्वेंस का पूछा कि ये मोनोटोनिक है या नॉट बाउंडेड है, या बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन किस तरह से हम कर सकते हैं। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली वाई एन को देख रहे हैं, वाई एन की नेचर क्या है। अगर हम वाई वन देखें तो वाई वन बराबर क्या आएगा, रूट वन अपॉन वन, क्योंकि एक्स वन ही आएगा ओनली, रूट वन अपॉन वन इंटू टू वन, ये हो गया। अगर वाई टू पर देखें तो आएगा हमारे पास रूट वन प्लस माइनस रूट वन यानी जीरो। अगर वाई थ्री पर देखें तो वाई थ्री पे प्लस वन रूट माइनस वन और प्लस रूट टू यानी रूट टू अपॉन थ्री, ये आ जाएगा। वाई फोर पर देखें तो वो जीरो, वाई फाइव पर देखेंगे तो वाई फाइव आ जाएगा हमारे पास रूट थ्री अपॉन फाइव। और फिर अगर इनको देखें कि नेचर को देखें तो वन, उसके बाद जीरो, रूट थ्री सॉरी टू अपॉन रूट थ्री, रूट टू अपॉन थ्री, जीरो, रूट थ्री अपॉन फाइव। तो यहाँ से ये तो हमारे पास पता चल गया ये मोनोटोनिक नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है। और साथ ही अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो ये वन, ये फिर वन से काफ़ी छोटा है, रूट टू जो थ्री से काफ़ी छोटा होता है, इस तरह से रूट थ्री जो है वो फाइव से काफ़ी छोटा होता है। तो इसकी वैल्यूज अगर हम देखें तो वैल्यूज इसकी अगर फिक्स वैल्यू लिखना चाहें तो ये है मतलब 0.471 और इसकी वैल्यू है 0.346। तो ऐसे और नंबर जो आएंगे वो इसे और छोटे बन जाएंगे। तो यहाँ से ये नंबर जो जा रहे हैं ये जीरो की तरफ टेंड्स कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है वाई एन जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्ज टू जीरो कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास पता चल गया ये सीक्वेंस जो, क्योंकि अगर एन बारह टर्म देंगे तो एन बारह टर्म या तो जीरो होगा या हमारे पास होगा रूट एन अपॉन एन, जिसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन रूट एन और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे अप्लाई होगा तो ये भी जीरो होगा, एंड लास्ट की टर्म जो है ये जीरो पे ही जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्ज टू जीरो है। बेसिकली फ्रेंड्स, जैसे अगर सीक्वेंस का हम नेचर देखें तो नेचर किस तरह का था, इसका नेचर था इस तरह का कि ये हमारे पास वन है और ये जीरो है, इसकी पहली ये जीरो है ये वन है, इसकी पहली वैल्यू जो थी वो हमारे पास वन थी, उसके बाद इसकी दूसरी टर्म यहाँ पर आई जीरो, उसके बाद तीसरी टर्म जो थी 0.471 यहाँ पे गई, उसके बाद चौथी टर्म फिर जीरो पे आई, और ये जो टर्म थी फिर वो यहाँ पे इधर गई, फिर वो जीरो पे आई, उसके बाद अगली टर्म यहाँ पे आई वो जीरो पे आएगी, लास्ट टर्म जो होंगी वो जीरो पे ही आ जाएंगी, सारी टर्म जो जीरो की तरफ एंड होंगी। तो इस तरह से कह सकते हैं ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज टू जीरो है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।